अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, हम बिस्तरी का जो ख़ास मज़ा है वो उसी वक्त आता है जब मादा मनवैया उछल उछल कर गिरे और बहुत ज़्यादा तादाद में मादा मनवैया का अखराज हो। ऐसे तमाम तरफ रहा जिनमें मादा मनवैया की कमी होती है, मादा मनवैया की पैदावार बहुत कम होती है और मादा मनवैया पतला होता है, जिसकी वजह से कुव्वत बार नहीं है, उनके लिए आज का हमारा ये नुस्खा है। ये मादा मनवैया की मिकदार को बढ़ाता है, मादा मनवैया की पैदावार में इजाफा करता है, मादा मनवैया को गाढ़ा करके आपको ताकत देता है। इस नुस्खे में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का इस्तेमाल है। नुस्खा बनाने में भी आसान है, इस्तेमाल करने में भी आसान है। ये मादा मनवैया की पैदावार को बढ़ाने के साथ साथ ये नुस्खा आपके पेट के तमाम तर मसाइल जैसे कब्ज़, बदहजमी, गैस और तबखीर का भी खात्मा करता है। बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। इस नुस्खे को बनाकर आप अपनी ताकत में इजाफा कर सकते हैं। इस नुस्खा क्या है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमने सिर्फ एक ही चीज़ लेनी है, वो है सौंफ। सौंफ का आपने इसमें इस्तेमाल करना है एक तोला। एक तोला आपने सौंफ लेनी है। इसको आपने खरल में डाल के पहले अच्छी तरह से इसको आपने सफूफ बना लेना है, बिल्कुल बारीक सफूफ बना लें। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको घोटना है। तकरीबन इसमें आपने एक तोला ही पानी डाल के आप इसको घोटें, अच्छी तरह से घोट के जब ये पेस्ट बन जाए, इस पेस्ट को आपने नीम गर्म दूध में डाल देना है। नीम गर्म दूध में डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच शहद डालें। 2 चम्मच शहद डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हिला के आप इसको नोश फरमा लें। रोज़ाना दिन में आपने एक मरतबा इसकी एक खुराक लेनी है। इंशाल्लाह 21 दिन आप ये इस्तेमाल कर लें। 21 दिन के इस्तेमाल से मादा मनवैया की पैदावार में इजाफा होता है, कुव्वत बाप बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, गैस, बदहजमी, तबखीर वगैरह का खात्मा होता है। बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है ये। इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।